हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम आयुष है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या, इसको अपन प्रोजेक्ट एस्टिमेशन भी बोलते हैं। ये क्यों यूज़ होता है, इससे अपन को पता चलता है कि जो अपना रिजल्टेंट सिस्टम अपन जो बनाने वाले हैं वो बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास दो मेथड्स हैं। तो दो मेथड्स कौन से हैं? पहला है लाइन्स ऑफ कोड, मतलब LOC, और दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, तो अभी LOC क्या वो करता है, LOC भी साइज एस्टिमेशन करता है, बट इसमें कैसा रहता है, ये डिफाइन कैसे होता है, एज अ नंबर ऑफ डिलीवर्ड लाइन्स, मतलब कितनी लाइन्स का कोड अपन ने लिखा है, जो भी सॉफ्टवेयर अपन बना रहे थे या जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए कितनी लाइन्स का कोड अपन ने लिखा है, एक्सक्लूडिंग कमेंट्स एंड ब्लैंक लाइन्स, मतलब जितना जो काम की लाइन्स है ना अपनी वो कितनी है उस पर डिपेंड करता है LOC। बट ये इतना एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। अभी आप सी में अगर दो एरे को स्वैप करने जाओगे और दो वेरिएबल्स को स्वैप करने जाओगे तो आपको 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, बट पाइथन में स्वैप ए भी लिखा, स्वैप हो गया। ठीक है, तो इस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता है एंड ये एकदम एफिशिएंट वे नहीं है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट का। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं क्या, दूसरा वाला जो है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, इसको कैसे डिराइव करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए अपने को दो चीज़ें लगती है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी लगती है सॉफ्टवेयर की, कितनी सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लेक्स होगा, और इन्फॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज़ लगती है। अब इन्फॉर्मेशन डोमेन वैल्यूज़ को मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि ये अपने सिस्टम पर डिपेंड करती है एंड एक्सटर्नल सिस्टम पर डिपेंड करती है, यूज़र पर डिपेंड करती है, और ये 5 डोमेन वैल्यूज़ हैं। तो कैसे अपन को याद रखना है वो अपन देखेंगे। ये अपना मेन सिस्टम है, एक ये जो अपना मेन सिस्टम है इसके अंदर जो फाइल्स होंगी वो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स होंगी। ठीक है, अपना कोई कंप्यूटर है, उसको यूज़र है, वो इंक्वायरी करता है कुछ, या यूज़र कुछ इनपुट देता है तो उसको वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो यूज़र क्या क्या कर सकता है, इनपुट देगा सिस्टम में, तो यूज़र इनपुट, यूज़र को आउटपुट मिलेगा, यूज़र आउटपुट, यूज़र कुछ इंक्वायर कर रहा है सिस्टम से या अपने सिस्टम से, तो इंक्वायरी हो गया ये यूज़र इंक्वायरी। और फिर जो सिस्टम के अंदर जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं या जो लॉजिकल फाइल्स होती है तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, यानी ILF। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है, अपने सिस्टम के पास वो चीज़ नहीं है, तो उसको वो एक्सटर्नल मतलब किसी दूसरे सिस्टम से वो फाइल्स लेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर्स थे, यूज़र इनपुट, यूज़र आउटपुट, यूज़र इंक्वायरी, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। तो इन 5 डोमेन वैल्यूज़ पे और सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी पे इन दोनों को मिला के अपन एक फंक्शन पॉइंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उससे अपन को पता चलता है कि सॉफ्टवेयर अपना कितना बड़ा होगा। तो इसको करते कैसे है वो अपन आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मतलब ये सम आते हैं एग्जाम में भी, तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के, तो कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखते हैं। अपन को सम में 5 ये जो इनपुट डोमेन वैल्यूज थे वो दिए जाएंगे, मतलब यूज़र इनपुट, यूज़र आउटपुट, इंक्वायरीज, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ दी गई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और फिर अपन को पूछेंगे कि फंक्शन पॉइंट वैल्यू क्या है अपनी, तो उसको निकालना कैसे है। बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल होता है, मतलब ये अपन ने एक एग्जांपल के लिए रैंडमली एक टेबल लिया है, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन पेपर में, अगर नहीं दिया है तो आप यही सेम टेबल वहाँ पे बना के सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें क्या है, ये जो पैरामीटर्स हैं इनके 3 फेजेस बनाए हैं, मतलब सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। अगर वो सिंपल उसके लिए पूछ रहा है, सिंपल प्रोजेक्ट के लिए, सिंपल सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये वैल्यूज यूज़ करना है। अगर उसका एवरेज पूछा तो एवरेज के लिए ये, एंड अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पूछा तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए ये वैल्यूज यूज़ करनी है। अब आगे क्या करना है अपन को, फंक्शन पॉइंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। अब वो कैसे निकालते हैं, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए जो अपने को काउंट दिया गया था, जो डोमेन्स का जो अपन को काउंट दिया गया था, उस काउंट में अपन अब अपनी अपन को यहाँ पे सिर्फ फंक्शन पॉइंट वैल्यू पूछा है, पूछा नहीं है कि एवरेज के लिए निकालनी है, कॉम्प्लेक्स के लिए निकालनी है, सिंपल के लिए निकालनी है। तो अपन बाय डिफॉल्ट एवरेज कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर उन लोग ने बोला कॉम्प्लेक्स तो आप कॉम्प्लेक्स के लिए ये वाली वैल्यूज यूज़ करोगे, कॉम्प्लेक्स वाली। ठीक है, अगर उन्होंने बोला कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स, एवरेज कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो एवरेज ले लेंगे, अगर उन्होंने सिंपल बोला तो सिंपल के लिए ये वाली वैल्यूज, यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था तो अपन ने एवरेज ले लिया। ठीक है, तो अब एवरेज ले लिया तो अपन को काउंट और एवरेज मतलब जो भी था उसको मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन पॉइंट काउंट निकालना है। ठीक है, तो 50 × 4 किया, ये सारे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनका टोटल निकालना है। तो ये जो टोटल होगा इसको अपन बोलेंगे टोटल काउंट बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, तो ये जो अपना 628 आया है ये अपना टोटल काउंट आया है। अब अपन को निकालना है कंप्लीट फंक्शन पॉइंट वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए अपन एक एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर।
वो आप, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली थ्री लिखा है। डायरेक्टली थ्री क्यों लिखा है, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं किया है। अब फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के टाइम पे होता क्या है, अपने को 14 क्वेश्चंस दिए होते हैं, ठीक है, एंड वो 14 क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जाता है ऑन स्केल ऑफ 1 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, तो एवरेज अपन ने 3 लिया, हमेशा एवरेज 3 लेना है, एंड 14 क्वेश्चंस हैं। तो जो अपना इसका समेशन आएगा हर क्वेश्चन के आंसर का, 14 क्वेश्चन के आंसर्स का अपन को सम निकालना है। तो सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 14 = 42 होता है, ठीक है। तो ये अपना समेशन FI आ गया, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर के जो 14 क्वेश्चंस थे, उन हर 14 क्वेश्चन का सबका आंसर तीन तीन अपन ने लिखा है, एवरेज लिया है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन पॉइंट वैल्यू, ये जो है ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नॉर्मल सब में अपन को यही यूज़ करना है। तो इसमें अपन ने टोटल काउंट पहले निकाला था, कैसे निकाला है वो अपन ने देखा है। उसके बाद 0.65 × 0.01 समेशन FI। अब FI क्या है, FI ये जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर था ना, जो अपन ने निकाला है 14 क्वेश्चंस का आंसर, आंसर का समेशन, 14 क्वेश्चन के आंसर का समेशन, मतलब 3 × 14 = 42। तो ये अपन ने आगे सॉल्व, मतलब ये वाला जो वैल्यू था ये 42 हो गया, तो 0.01 × 42 हो जाएगा। फिर इसको, ये जो ये वाला ब्रैकेट है, इसको अपन टोटल काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना जो वैल्यू आएगा वो रहेगा फंक्शन पॉइंट वैल्यू। तो ये था वीडियो सॉफ्टवेयर मेजरमेंट के ऊपर, एंड फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के का अपन इसमें एक एग्जांपल देखा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, एंड नोट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ पे नोट्स देख सकते हो। हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, www.lastmomenttuitions.com, वहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।